हेलो फ्रेंड्स, केम छो तमे बधा। आज आप बनावशू मकाईना भजिया एटले कि स्वीट कॉर्नना भजिया। आ भजिया खावामां बहु टेस्टी लागे छे अने आ भजिया बहारथी एकदम क्रिस्पी अने अंदरथी एकदम सॉफ्ट बने छे। अने एनी साथे आपणे एनी स्पेशल चटनी पण बनावीशुं जे पण बहु टेस्टी बने छे, बहु ज ईजी रेसिपी छे। तो आओ आपणे भजिया बनावानुं स्टार्ट करीए। तो मैं अहीं 5 स्वीट कॉर्न लई लीधा छे। जो तमारी पासे देसी मकाई होय तो तमे ए ज लेजो, एना भजिया वधारे टेस्टी बने छे। तो आपणे आ मकाईना दाणा काढी लेशुं। जो तमारे दाणा ना काढवा होय तो तमे आ मकाईने छीणीने पण लई शको छो, पण दाणा काढવા એકદમ ઈઝી છે। તો હું આના દાણા કાઢી લઉં છું। તો આપણે બધી મકાઈના દાણા કાઢી લેશું આ રીતે। તો આ રીતે આપણે ચપ્પુની મદદથી દાણા કાઢીશું તો બહુ જલ્દીથી આના દાણા નીકળી જાય છે। अने आने पछी आपणे मिक्सर में पीसी लेवाना छे। मिक्सर में पण बहु ज इजीली पीसाई जाय छे कारण के एकदम सॉफ्ट होय छे। जो तमारे आ प्रोसेस ना करवी होय तो तमे छीणीने पण लई शको छो। तो आ आपणे एक मकाईना दाणा काढी लीधा छे, एकदम सारी रीते दाणा काढी लेवा। तो ए ज रीते आपणे बाकीनी बधी मकाईना दाणा काढी लेशुं। तो बधी मकाईना दाणा काढी लीधा छे। आ बहु ज दाणा इजीली निकली जाय छे। अने हवे आपणे आने मिक्सर में लई लेशुं, आपणे आने पीसी लईशुं। तो आपणे एकदम दरદરું पीसवानुं छे, बिलकुल फाइन पेस्ट नथी करवानी। अने आपणे आम बे वार करीने पीसीशुं। तो आपणे आने अर्धा दाणा मिक्सर जार में लई लईए। आमां पाणी बिलकुल एड नथी करवानुं। आपणे आ स्वीट कॉर्न लीधी छे, एमां पाणी घणुं होय छे अने दाणा एकदम सॉफ्ट होय छे तो बहु जल्दीथी पीसाई जाय छे। तो दरદરું पीसी लीधुं छे अने आपणे एक बाउल में लई लईए। अने आ ज रीते आपणे बाकीना जे दाणा छे एने पण दरદરા पीसी लईशुं। तो बाकीना जे दाणा छे एने पण पीसी लीधा छे, एनुं बेटर पण आपणे आमां एड करी दईए बाउल में। तो आ आपणी बधी मकाईना दाणा पीसी लीधा छे। हवे आपणे बाकीना मसाला एड करी दईए। हाफ टी स्पून हळदर, एक टी स्पून लाल मरचू पाउडर, हाफ टी स्पून काळा मरीनो पाउडर, हाफ टी स्पून अजमो एड करीशुं। अजमाने हाथथी मसळीने एड करीशुं। हाफ टी स्पून आखा धाणाने थोड़ा क्रश करीने एड करीशुं। आदु मरचा लसणनी पेस्ट एड करीशुं। आमां मैं 3 लीला मरचा, 3-4 लसणनी कड़ी अने 1 नानो आदुनो टुकड़ो एनी पेस्ट बनावीने लीधी छे। 1 मीडियम साइजनी डूंगळीने बारीक कट करीने एड करीशुं। जो तमे लसण डूंगळी ना खाता होय तो तमे स्कीप करी शको छो, एना वगर पण भजिया बहु टेस्टी बनशे। अने हाफ कप आपणे आमां लीला धाणा एड करीशुं बारीक कट करीने। तो बधा मसाला सारी रीते मिक्स करी लीधा छे। हवे आपणे आमां सूजी अने बेसन एड करीशुं। तो अर्धो कप सूजी एड करीशुं अने जरूर पड़े तो तमे पाछळथी पण एड करी शको छो। 2 टेबलस्पून आपणे आमां बेसन एड करीशुं। पहेला आपणे मिक्स करीने चेक करता रहेशुं, जेम जेम जरूर पड़े तेम तेम आपणे सूजी अने बेसन एड करीशुं। बेटर एकदम सरस गाढ़ू थाय एटलू आपणे आमां सूजी अने बेसन एड करवानुं छे। तो टोटल आमां मैं अर्धो कप सूजी अने 4 टेबलस्पून बेसन एड कर्यु छे। बहु वधारे बेसन अने सूजी एड नथी करवाना, बहु वधारे एड करीशुं तो मकाईनो टेस्ट आमां दबाई जशे। एटला माटे फक्त आपणुं बेटर गाढ़ू थाय त्यां सुधी ज आमां एड करवुं। स्वाद प्रमाणे मीठू एड करी सारी रीते मिक्स करी लेशुं। तो बधुं एकदम सारी रीते मिक्स करी लीधुं छे। आने आपणे ढाँकीने 5 मिनिट माटे राखीशुं साइड में, त्यां सुधी आपणे आनी चटनी बनावी लईए। तो 1 कप आपणे लीला धाणा लई लेशुं। आ रीते दांडी साथे लेवा, एनो टेस्ट बहु सरस आवे छे। 15-20 पुदीनाना पत्ता लई लेशुं। धाणा अने पुदीनाने सारी रीते धोईने लई लीधा छे। 2-3 लीला मरचा, 4 नाना आदुना टुकड़ा, 4 टेबलस्पून चणा दाळ जे शेકેલી આવે છે દાળિયા કહેવાય છે એ લઈ લેવી। હાફ ટીસ્પૂન મીઠું એડ કરીશું, આમાં આપણે સંચળ પણ એડ કરવાનું છે તો એ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવું। 1 ટીસ્પૂન જીરુંનો પાવડર એડ કરીશું, તમે આખું જીરું પણ એડ કરી શકો છો, અને 1/4 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર એડ કરીશું। અને હવે આપણે આમાં 2 ટેબલસ્પૂન દહીં એડ કરીશું।
पानी आमां एकदम थोड़ू एड करीशुं कारण के आपणे आमां दही पण एड कर्युं छे तो बहु वधारे पानी एड नथी करवानुं। थोड़ू पानी एड करी दीधुं छे। हवे आपणे आने फाइन पेस्ट बनावी लईए। तो चटनीनी फाइन पेस्ट बनावी लीधी छे। चटनी आपणी बनीने रेडी छे। बहु ज परफेक्ट कलर आव्यो छे। कंसिस्टन्सी पण एकदम परफेक्ट छे। चटनीने आपणे एक बाउलमां लई लईए। आ चटनी साथे आ भજીયા बहु टेस्टी लागे छे। तो चटनी आपणी रेडी छे। हवे बेटर चेक करी लईए। तो आपणुं बेटर पण एकदम परफेक्ट गाढ़ू छे। तमे जोई शको छो सूजी फूले छे। तो आ रीते आपणे चेक करीशुं। जो आमां थोड़ू सूजी बेसन ओछू पड़शे तो भજીયા तेलमां खुली जशे। तो आ रीते बेटर थोड़ू गाढ़ू राखवुं। तो हवे आपणे आमां 1/4 टीस्पून जेटलो बेकिंग सोडा एड करीशुं। एकदम थोड़ो एड करवानो छे अने एने सारी रीते मिक्स करी लईए। तो सारी रीते मिक्स करी लीधुं छे। हवे आपणे भજીયા बनावानुं स्टार्ट करीए। तेल मैं पहलेथी ज गरम करवा माटे मूकी दीधुं हतुं अने एकदम नाना नाना भજીયા बनावीशुं जेथी एकदम सरस क्रिस्पी बनशे। तेल एकदम सरस गरम होवुं जोईए। त्यार पछी आपणे गैसनी फ्लेम मीडियम करी देवानी। तेल एकवार सारी रीते गरम थई जाय त्यार पछी आपणे गैसनी फ्लेम मीडियम करी देवी। तमे जोई शको छो तेल एकदम सरस गरम छे। तो आ बधा भજીયા एड करी दीधा छे। हवे गैसनी फ्लेम मीडियम करी अने आ सरस क्रिस्पी थाय गोल्डन कलर आवे त्यां सुधी आपणे आने फ्राई करी लेशुं। थोड़ो डार्क गोल्डन कलर आवे त्यां सुधी। तो आ रीते फेरवता रहीशुं। गैसने मीडियम फ्लेम में फ्राई करीशुं तो सरस क्रिस्पी अने अंदरथी पण सारी रीते फ्राई थशे। तो एकदम सरस कलर आवी गयो छे। तमे जोई शको छो एकदम क्रिस्पी देखाई रह्या छे। तो आ आपणा भજીયા बनीने रेडी छे। आने आपणे एक प्लेटमां लई लईए। एकदम परफेक्ट क्रिस्पी देखाई रह्या छे। तो बधा भજીયા एक प्लेटमां लई लीधा छे। હવે આપણે બાકીના ભજીયા પણ આ રીતે ફ્રાય કરી લઈએ। એકદમ નાના નાના ભજીયા બનાવીશું। તેલ સારી રીતે ગરમ હોવું જોઈએ ત્યાર પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમમાં આપણે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેશું। તો બીજા ભજીયા પણ ફ્રાય કરી લીધા છે। એકદમ પરફેક્ટ બન્યા છે। કલર પણ એકદમ પરફેક્ટ આવ્યો છે। લીલા મરચાંને પણ ફ્રાય કરી લઈએ। વચ્ચે આમાં કટ લગાવી લીધો છે। આ મોળા છે, તીખા નથી આવતા આ મરચાં। तो आ मरचा पण फ्राई करी लीधा छे। आना उपर आपणे मीठू लींबू अने संचर पाउडर थोड़ो एड करीशुं। तो हवे आपणे भજીયાને सर्व करीए। तो एनी साथे चटनी अने लीला मरचा साथे सर्व करीशुं। तमे आने केचअप साथे पण सर्व करी शको छो। आ भજીયા बहु टेस्टी लागे छे। एकदम क्रिस्पी बने छे। तो तमे घरे जरूरथी ट्राय करजो अने एन्जॉय करजो। तमने मारी आ रेसिपी सारी लागी होय तो प्लीज़ आ वीडियोने लाइक अने शेर जरूरथी करजो अने चेनलने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलशो। फरी मळीशुं एक नवी रेसिपी साथे। त्यां सुधी टेक केर। बाय बाय।